जो दोनों एक ही बन। उस रमजान के बल बल जइयो, 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 उस रमजान के बल बल जइयो। वो है सुहागन का और इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट का कलाम सुन सका। मौसिकी, म्यूजिक, संगीत, इन सब को लेके मैंने एक शेर लिखा है कि मौसिकी में डूबा कि मौसिकी वो मौजू है जो मेरे दिल के करीब है। मौसिकी वो मौजू है जो मेरे दिल के करीब है, इसमें डूबा हर शख्स मेरा हबीब है। इसमें डूबा हर शख्स मेरा हबीब है, इससे लुत्फंदोज हर एक यहाँ खुश नसीब है कि हम यहाँ पर आज आए। और आपको ये बताता चलूँ कि आज एक बहुत ही मुकद्दस दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। आज बसंत पंचमी भी है और सरस्वती माता को भी हम आज याद करते हैं, जो कि संगीत की विद्या की देवी मानी गई है। और सरस्वती वीणा बजाती हैं, और आपको मालूम होगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी वीणा बजाया करते थे। और आज उन्हीं की एक कोट मैं आपके सामने कहूँगा, एंड आई कोट, दैट म्यूजिक कैन क्योर द एलिमेंट्स ऑफ एन अनहैप्पी माइंड। और इसका तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं, आप सब समझ ही गए होंगे कि म्यूज़िक वो एक दवा है जो एक अनहेल्दी अनहैप्पी माइंड को भी खुश कर सकती है। तो यहाँ पर मैं ये ऐड करूँगा कि सूफ़ी म्यूज़िक वो चीज़ है विच कैन क्योर द एलिमेंट्स ऑफ एन अनहैप्पी सोल। सूफ़ी संगीत हमें बहुत ही रूहानी एहसास दिलाता है, और ऐसा लगता है कि इसके ज़रिए हम ऊपर वाले से जुड़ रहे हैं।